हेलो बच्चों, मैं लेकर आया आपके लिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक बच्चों, इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, देखो लेट y जो ये फंक्शन दे रखा है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, तो मैंने इसको ले लिया लेट y इक्वल टू। अब देखो ध्यान से बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी यहाँ दो फंक्शन है इनके बीच में प्लस माइनस का सिंबल है, ठीक है, तो क्या करना होता है, इसको हमें अलग फंक्शन में लेट करना है, इसको अलग हमें लेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से देखो लेट u इक्वल टू में x की पावर x और v इक्वल टू में 2 की पावर साइन x, क्लियर। अब यहां क्या आगे बच्चों, y इक्वल टू में u माइनस में v, तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या आगे बच्चों, डी वाई अपॉन में डी एक्स और डी यू अपॉन में डी एक्स माइनस में डी वी अपॉन में डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर बच्चों। अब हमें क्या करना है, इस अलग अलग इसका निकालो, यानी कि नाउ इसको उतार लो यू वाले को, यू इज इक्वल टू में एक्स की पावर एक्स, टेकिंग लोग बोथ साइड, यहां उतर गया बच्चों लोग u इक्वल टू में लोग x की पावर x, क्लियर बच्चों। ठीक है, अब यहां क्या आ गया हमारे पास, देखो लोग u x लोग x, ठीक है बच्चों। अब क्या आ जाएगा, अब यहां डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां लोग यहां आइडेंटिटी मैंने अप्लाई कर रखा है, ये बच्चों लोग m की पावर n का n लोग m, क्लियर बच्चों। ठीक है, अब यहां देखो u इंटू v प्रोडक्ट, इसका हो गया 1 अपॉन में u और d u अपॉन में dx, इसमें प्रोडक्ट x को ऐसे लें दो, लोग का करोगे तो क्या आएगा बच्चों 1 अपॉन में x, फिर प्लस में लोग x को ऐसे लेने दो, x का करोगे तो क्या आ गया 1, यहां पे मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव्स कर दिया यहां पर। ठीक बच्चों, अब यहां ये कैंसिल हो गया, d u अपॉन में dx इधर आकर के u इंटू में यहां आ गया 1 प्लस में लोग x, u की वैल्यू क्या है बच्चों, u की वैल्यू x की पावर x 1 प्लस log x, क्लियर। नाउ अब यहां उतार लो यहां पे v इक्वल टू में 2 की पावर sin x, तो क्या करोगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ क्या log लेने पड़ते हैं, उतर गया बच्चों log v, यहां भी उतर गया log 2 की पावर sin x, यहां उतर गया बच्चों ये log v, यहां उतर गया sin x log 2, सेम ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहां पे भी। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास क्या log 2 कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू किसी फंक्शन के साथ दिया होता मल्टीपल में तो उसका डेरिवेटिव नहीं किया जाता, उसको वैसे ही इनटू में लिखा जाता है। अब यहां आगे बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, है ना, बोथ साइड, तो यहां उतर गया बच्चों 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx, यहां उतर गया बच्चों sin x का क्या हो जाएगा, देखो log 2 तो कांस्टेंट है वैसे लिख लो आप log 2 को, तो अब sin x का क्या हो जाएगा cos x, यहां उतर गया cos x, अब यहां dv अपॉन में dx इधर आकर के v इनटू में log 2 cos x। ठीक है बच्चों, v की वैल्यू क्या है 2 की पावर sin x log 2 cos x, ये आ गया फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 को उतार लो यहां से, डीवाई अपॉन में dx डी अपॉन में dx माइनस में dv अपॉन में dx, क्लियर बच्चों। अब देखो इसकी वैल्यू पुट अप कर दो यहां से, dy अपॉन में dx डी अपॉन में dx की वैल्यू क्या निकाला बच्चों, ये निकला यहां पे x की पावर x 1 प्लस में log x, फिर माइनस में 2 की पावर sin x और log 2 cos x, ये आ गया आंसर, क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे का था, मैंने क्या किया लेट y ले लिया वहां तक। ठीक है बच्चों, अब मैंने एक दो तीन स्टेप कर दिया है, टेकिंग log बोथ साइड, मैंने क्या था log दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, log y log लिख करके शुरू में लिख दिया। ठीक है, अब इसको तो मैंने ऐसे उतार लिया, अब यहां log
एम एन एन जितने भी एन टू मूव होते हैं उसको सब क्या करते हैं, लोग के साथ प्लस करके लगा देते हैं। जैसे कि लोग ये प्लस, फिर लोग ये वाला टर्म्स, फिर प्लस लोग ये वाला टर्म्स लेते हैं। अब यहां देखो जो पावर लोग एम की पावर है, अभी इससे पहले से फोर्थ क्वेश्चन बताया था, टू शुरू में आ गया लोग ये आ गया, फिर अब थ्री शुरू में आ गया लोग ये बच गया, फिर पावर पावर शुरू में आ गया लोग ये बच गया। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस क्लियर यहां तक। अब देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान से, यहां तो उतर गया वन अपॉन में वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो ध्यान से बच्चों, टू थे इन टू में आ जाएगा, इस लोग का करोगे तो वन अपॉन में एक्स प्लस थ्री, फिर इंटू में वन, फिर थ्री थे इंटू में उतर इस लोग का करोगे तो वन अपॉन में एक्स प्लस फोर इंटू में, फिर इसका करोगे तो वन फोर का जीरो, फिर बच्चों यहाँ पे फोर वन अपॉन में एक्स प्लस फाइव इंटू में वन, ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इधर आकर के वाई इंटू में, यहाँ आगे बच्चों टू एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स प्लस फोर, फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है बच्चों। ये वाई यहाँ एल अंदर एलसीएम ले लो, एक्स प्लस में थ्री, एक्स प्लस में फोर, एक्स प्लस में फाइव, यहाँ आ गया टू एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फाइव, थ्री एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फाइव प्लस फोर, यहां उतर गया एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, क्लियर। देखो बच्चों एलसीएम में तीनों आ गया, देखो इससे एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कटेगी, ये दो बचेंगे, टू आगे इंटू में दोनों को ले लिया, फिर एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर कैंसिल हो गया, ये और ये बचेगा, थ्री इंटू में आगे ये दोनों को ले लिया, फिर इससे ये कैंसिल हो गया, फोर शून्य में ले लिया, इन दोनों को इंटू में ले लिया, क्लियर। अब देखो ध्यान से यहाँ वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू लिख लो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर एक्स प्लस फोर के क्यूब एक्स प्लस फाइव के पावर फोर। अब देखो यहां पे टू नीचे ऐसे रहने दो, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, देखो एक्स और एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फोर और फाइव कितना होगा नाइन, प्लस के नाइन एक्स और फोर प्लस का फोर और प्लस का फाइव मल्टीप्लाई करो तो प्लस के ट्वेंटी, ठीक है बच्चों। प्लस थ्री को बाहर ले लिया, ठीक है सेम, एक्स और एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, अब देखो प्लस के थ्री और प्लस का फाइव तो प्लस के एट हो गया, तो एट एक्स आ गया, फिर प्लस के थ्री मल्टीप्लाई प्लस के फाइव तो प्लस के फिफ्टीन आ गया, ठीक है बच्चों। फिर प्लस फोर सेम ऐसे बच्चों यहां पर फोर को बाहर ले, देखो एक्स और एक्स क्या आ गया एक्स स्क्वायर, थ्री और फोर कितना आ गया प्लस के सेवन, तो सेवन एक्स, फिर थ्री इंटू फोर प्लस के ट्वेल्व मल्टीप्लाई में करना क्या होता है, देखो इन दोनों को स्क्वायर कर दो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों देखो प्लस और प्लस है तो जुड़ जाएगा, ये प्लस के नाइन आएगा तो नाइन एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस प्लस ये तो माइनस करोगे मल्टीप्लाई करोगे फोर फाइव का तो ट्वेंटी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक बच्चों इस तरीके से कर दिया। अब देखो यहां से इन सबसे एक एक पावर इनमें से कम हो जाएगा, यहां बच गया एक्स प्लस थ्री एक, यहां बच गया एक्स प्लस फोर का स्क्वायर, यहां बच गया एक्स प्लस फाइव का क्यूब, एक एक पावर यहां से कम हो गया, ठीक है। अब यहां गुणा करो इसमें टू एक्स स्क्वायर एटीन एक्स चालीस, थ्री एक्स स्क्वायर चौबीस एक्स पंद्रह पैंतालीस, फोर एक्स स्क्वायर सात चौक अट्ठाईस एक्स बारह चौक अड़तालीस, ये आएगा बच्चों, ठीक है। एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर का स्क्वायर एक्स प्लस फाइव का क्यूब, देखो टू एक्स स्क्वायर थ्री फाइव और फोर नाइन एक्स स्क्वायर एटीन एक्स और ट्वेंटी फोर कितना हो गया बयालीस, ठीक है बयालीस और अट्ठाईस बहत्तर सॉरी सत्तर आगे से, ठीक बच्चों सत्तर एक्स, ठीक है देखो अठारह और चौबीस कितने हो गए बयालीस हो गए, बयालीस और अट्ठाईस कितने हो गए सत्तर, बच्चे कितना बच्चों हमारे पास है सत्तर एक्स आ गया। अब देखो चालीस और पैंतालीस पिचासी पिचासी और अड़तालीस एक सौ तैतीस एक सौ तैतीस, ठीक है बच्चों ये आ गया आंसर आपके पास, क्लियर। उम्मीद करता हूं इनको एड कर लेने एक बार।
ठीक बच्चों, नोट कर लो इसे।